बेगूसराय में प्रवासी मजदूर की इलाज के दौरान हुई मौत। परिहारा क्वारंटीन सेंटर में बिगड़ी थी तबीयत। आनंद फार्म में इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जहां आज इलाज के दरमियान युवक की मौत हो गई। बताते चले कि 11 मई को कोलकाता से लौटकर घर वापस आया था। उसके बाद युवक को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, जहां आज अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे आनंद फार्म में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान बखरी थाना क्षेत्र के चकवा दी निवासी मोहम्मद कलीम के पुत्र हिमायू के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मृतक हिमायू कोलकाता में रखकर मजदूरी करता था। परिवार वालों के मुताबिक जब लॉकडाउन लगने के पहले से ही मृतक की दिमागी हालत खराब था, जिसके बाद जब उसे क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां वह कई दिनों से खाना पीना ठीक से नहीं खा पा रहा था। मृतक किसी तरह कोलकाता से बेगूसराय आया, उसके बाद जांच के लिए परिहारा क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, वहां से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि इसकी दिमागी हालत काफी कमजोर हो गई थी। जब से लॉकडाउन हुआ था तब से कोलकाता में फंसा हुआ था और 11 मई को कोलकाता से किसी तरह अपने घर बखरी पहुंचा। बखरी पहुंचने के बाद वहां उसको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। फिर भी वह कुछ खाता पीता नहीं था, वह काफी कमजोर हो गया था। पर यह बार बार बोलता रह गया कि हमको घर भेजा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं भेजे। आज इसका तबीयत अचानक खराब हो गया और सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि 17 तारीख को मृतक का जांच सैंपल भेजा गया, जिसमें जांच सैंपल निगेटिव पाया गया। फिलहाल इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घर आएंगे तो हम लोग तो घर में रहेंगे, मम्मा के रोड दिखाएंगे, मगर बढ़िया नजर रहेंगे घर परिवार के साथ। मगर हम लोग वहाँ बेगूसराय आए, बेगूसराय में प्रशासन ने हमको रोक के बोला नहीं देंगे जाने, पहले क्वारंटाइन में नाम लिखवाओ। नाम लिखवाने के बाद नाम लिखवाए तो मेरा भाई जो हालत थोड़ा खराब हो गया, दिमागी हालत, उसको पहले से भी खराब था, इलाज करवाए थे, ठीक हुआ था। अब फिर इधर आके मतलब लॉकडाउन की वजह से इसका हालत मतलब दिमागी टेंशन हो गया था, इसका वजह से ये खाना पीना दाना पानी कुछ नहीं खा रहा था, ऐसे नहीं सो रहा था, ऐसे जगे हुए था। तो हम लोग कुछ ज़बरदस्ती करके खिला पिला रहे थे। हम लोग बोल रहे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब मेरा भाई को हालत सीरियस है, इसको छोड़ दीजिए। बोला नहीं, जांच वाला कागज आएगा तब छोड़ेंगे। डॉक्टर साहब को बोले कहा मेरा भाई को मेरा दिमागी हालत खराब है, इसको भर्ती करवाइए कहीं और। मौत कब हुई? मौत तो आज हुआ। कहाँ पे था भर्ती, इससे पहले कौन सेंटर पे था? घाघरा में था। घाघरा में हम डॉक्टर साहब को बोले सर मेरा भाई को ऐसा हालत है, इसको मतलब डॉक्टर यहाँ कहीं भर्ती करवाइए, इसका दिमागी हालत खराब है, दाना पानी कुछ नहीं खा रहा। अचानक क्या हो, तबीयत क्या खराब हुआ था, कैसे तबीयत खराब हुआ? टेंशन से हो गया, यही लॉकडाउन की वजह से टेंशन हो गया। इसको वहाँ आया घर जाने के लिए, घर जाने के लिए नहीं दिया, रोक लिया प्रशासन लोग और आधा गाँव के भी लोग रोक लिया, बोला नहीं क्वारंटीन करवाओ, उसके बाद जाने देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। इसके वजह से इसको दिमाग में टेंशन घुस गया, दाना पानी सब से बार दिया, कुछ नहीं खा रहा था, नहीं पी रहा था, ऐसी नहीं सो रहा था, पेशाब भी पैखाना, पेशाब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था बीमारी। तो क्वारंटाइन में जब रखा गया तो जांच करने वाला आता है डॉक्टर, उसको डॉक्टर साहब से हम बात किए सर मेरा भाई कैसा ऐसा हो गया, इसको छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब बोला कि नहीं, पहले जब तक जाँच नहीं होगा मतलब तक नहीं। मतलब मौत कैसे हुआ, मतलब मौत दिमागी हालत खराब हो गया? दिमागी हालत में मौत तो हो गया, टेंशन घुस गया दिमाग में, दाना पानी कुछ नहीं खा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मैं सो रहा था, मेरा नाम अबू सामा। किस तरह से सर, कहाँ से आया था? कलकत्ता से 11 तारीख को आया था, बकरी क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ था, ब्लॉक क्वारंटाइन जो किया गया था, इसकी जांच के लिए उसको यहाँ भेजा गया था। 17 तारीख को इसका जांच किया गया है और उसका रिपोर्ट आ गया है, निगेटिव है। पेशेंट का उसका कोई बीमारी इसकी ठीक नहीं, उसमें तो अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। पेशेंट आज एक्सपायर किया है, कंडीशन और कुछ सीरियस हुआ था, यहाँ भेजा गया है। क्या लग रहा है, क्या बीमारी लेकर सर यहाँ पे आया था, यहाँ से भर्ती हुआ था? अभी तो आज तो आया था, अभी आज तो इसका कंडीशन सीरियस ही में आया था सर, करीब गैस्ट्रिक कंडीशन में आया था। तो सिम्टम क्या था सर बीमारी? गैस्ट्रिक में था वो, तो हम लोग अब नहीं कर सकते उसे, क्योंकि पेशेंट तो वहाँ से देखा गया, देखने का तुरंत 2 ही मिनट के अंदर वो पेशेंट एक्सपायर कर गया। तो इसका सैंपल भी भेजा गया फिर? भेजने का पर्पज नहीं है, क्योंकि परसों 17 को जांच कराया गया, 17 का रिपोर्ट इसका निगेटिव आया है। तो जबकि ये पेशेंट 11 तारीख को ही आया, तो उसका मतलब है क्या कि अभी काफ़ी ये हो गया होगा सब, जब तक पेशेंट के अंदर ही आता है। बेगूसराय से जीवेश तरुण की रिपोर्ट।
नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।